मेष आज का दिन प्रोफेशनल तौर से सामान्य रहेगा, परंतु निजी जीवन में तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है। आपका काम में फोकस बहुत अच्छा बना हुआ है, जिस कारण आपके काम और आइडियाज की सराहना होगी, परंतु निजी जीवन के लिहाज से आप अपनी और अपने प्रियजनों की जरूरतों को नजरअंदाज ना करें। अपने स्वभाव और विचारों में मेमोरियल ना बने। नकारात्मक सोच से कोई लाभ नहीं अपितु सेहत और रिश्तों दोनों में हानि होगी। किसी को शक की नजर से ना देखें, भरोसा करना सीखें। प्रोफेशन यदि नया व्यापार आरंभ करने का सोच रहे हैं तो लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। लव परिवार अजनों के साथ थोड़ा समय बिताने से रिश्तों में बहुत सुधार आएगा। अपनी सोच को अड़ियल ना होने दें, हेल्थ अल्टरनेटिव चिकित्सा से लाभ हो सकता है। अपने विचारों में नरमी रखेंगे तो शरीर में भी रोगों से जल्द निजात मिलेगा। वृषाज का दिन सामान्य रहेगा। किसी बात को लेकर परेशान है तो उसका जल्द ही हल मिलेगा। अपनी कमियों की बजाय अपनी खूबियों पर ध्यान दें। अपने वातावरण की नकारात्मकता से बचें, केवल अच्छी बातों पर ध्यान दें। यदि आपको कोई नीचा दिखाने का प्रयास करे तो उससे प्रभावित ना हो। अपने आप पर भरोसा रखें। आप अपने आप में पूर्ण हैं और योग्य हैं। किसी भी बात में जल्दबाजी ना करें, आज समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। प्रोफेशन कार्यक्षेत्र में किसी से अनबन हो सकती है, किंतु नुकसान नहीं होगा। बदलाव के लिए मानसिक रूप से तैयार रहे। लव किसी भी अच्छे रिश्ते की नींव होती है। अपने आप की समझ, आप अपने साथ जैसा व्यवहार करेंगे दूसरे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार रखेंगे। हेल्थ स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। रोग से जूझ रहे हैं तो उसके लिए किए जा रहे प्रयास जल्द ही फलदायक होंगे। अपने आप पर पूरा ध्यान दें, आज अपने लिए भी थोड़ा समय जरूर निकालें। मिथुन आज ऊर्जा अधिक बनी हुई है, किंतु उसे उचित दिशा में लगाने का अवसर नहीं मिल पा रहा। इस कारण अपने मन में कोई तनाव ना होने दें। अवसर यदि नहीं मिल रहा तो अवसर अपने आप बनाने का प्रयास करें। आज कुछ नया आरंभ करने के लिए दिन अच्छा है। कोई नई योजना बनाए किंतु उस पर काम करने की भी आवश्यकता है। प्रोफेशन कार्यक्षेत्र में कोई अच्छा नया अवसर मिलेगा। नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आज सफलता मिलने के आसार हैं। लव रिश्तों में किसी भी बात से चिंतित ना हो, परिस्थिति जल्द ही आपके अनुकूल हो जाएगी। हेल्थ किसी पुराने रोग से जल्द ही निजात मिलेगा। ऊर्जा की कमी नहीं है, उसे उचित दिशा में लगाएं। कर्क आज आप में भावुकता की अधिकता रहेगी, जिस कारण मूड स्विंग होंगे। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, नहीं तो ऐसी मनस्थिति में लिए हुए निर्णय गलत हो सकते हैं। अपने समय को महत्व दें, आज उसे दोस्तों के साथ व्यर्थ के वार्तालाप में नष्ट ना करें। यदि कोई व्यवसाय आरंभ करने जा रहे हैं तो उससे संबंधित दस्तावेज अच्छे से जांच लें। यदि यह व्यवसाय साझेदारी में है तो सावधान रहें और सभी कार्यवाही लिखित में करें। प्रोफेशन आपके कौशल में कोई कमी नहीं है, किंतु अपना फोकस काम के प्रति बनाए रखें। जल्द ही तरक्की होने के आसार हैं। लव रिश्तों में अपने प्रियजनों का महत्व समझें, उनकी जरूरतों को नजरअंदाज ना करें। ऐसे दोस्तों से नाता ना रखें जो केवल आपका इस्तेमाल करते हों। हेल्थ स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, किंतु बदलते मौसम के कारण कोई रोग परेशान कर सकता है। भीड़ भाड़ के इलाके से बचें, स्वच्छ पानी ही पिएं। सिंह आज के दिन परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं होगी। बदलती परिस्थिति के साथ अपने आप को ढालें। आपके आसपास यदि कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आप अनदेखा कर रहे हैं तो अपनी आंखें खोलें, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और आपका नुकसान हो सकता है। अपने वातावरण के प्रति सचेत रहें। किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार पर इतना भरोसा न करें कि आपको बाद में निराश होना पड़े। अपने परिवार से अपनी कोई बात ना छुपाए, नहीं तो उन्हें किसी और से पता चलेगा तो ठेस पहुंचेगी। प्रोफेशन यदि कार्यक्षेत्र में कोई तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी तो उसका जल्द ही हल मिलेगा। रुके हुए काम बनेंगे। लव किसी भी बात से अधिक परेशान ना हो, उसे एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि किसी ने दिल दुखाया है तो उसे आज माफ करें। हेल्थ स्वास्थ्य सामान्य रहेगा,
किसी पुराने रोग से निजात मिलने के योग है। अपने प्रयास में कोई कमी ना होने दे। मछलियों को खाना खिलाए। कन्या, आज का दिन आपका मन काम में नहीं लगेगा। अपने जीवन की दिशा को लेकर मन में कुछ असमंजस बना रह सकता है। आप में भरपूर योग्यता होते हुए भी आप अपना कौशल पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जिससे मन में असंतोष की भावना होती है। यदि आपके कुछ सपने हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए आज कोई कदम अवश्य उठाएं, चाहे वह कितना ही छोटा हो। इससे आपकी ऊर्जा को उचित दिशा मिलेगी। प्रोफेशन, यदि अपना व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं तो यह उचित समय है। अवसर और साधन आसानी से प्राप्त होंगे। लव, अपने लिए भी थोड़ा समय अवश्य निकालें। अपने परिवार को अपनी जरूरतों के बारे में समझाएं। हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि किसी रोग से जूझ रहे हैं तो मॉडर्न चिकित्सा के साथ साथ अल्टरनेटिव चिकित्सा करने के अच्छा फल मिलेगा। जल्द रिकवरी होगी। तुला, आज अपनी ऊर्जा व्यर्थ चिंताओं में लगाने की बजाय उसे सकारात्मक कार्यों में लगाएं, लाभ होगा। किसी रिश्ते को लेकर परेशान हैं तो उससे संबंधित निर्णय को न टाले, नहीं तो यह और कष्टदायक हो जाएगा। यदि किसी के लिए मन में भावनाएं हैं तो उन्हें व्यक्त अवश्य करें। आज काम की डेडलाइन पूरी करने में परेशानी हो सकती है। दुविधाओं में निर्णय लें, परिस्थिति के अनुकूल होने का इंतजार करें। प्रोफेशन, बहुत ज्यादा देर ना करें निर्णय लेने में, नहीं तो परिस्थिति और बिगड़ सकती है। जिस परिस्थिति से बचने का प्रयास कर रहे हैं उसका सामना कर लेंगे तो मन में शांति आ जाएगी। लव, किसी रिश्ते के कारण परेशान हैं तो उससे संबंधित हल निकालें। जिस परिस्थिति से बचने की कोशिश कर रहे हैं उसका जितना जल्दी सामना करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा। हेल्थ, चिंताओं के कारण अपनी सेहत पर असर ना होने दें। मेडिटेशन, योग और प्राणायाम आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। वृश्चिक, आज का दिन कुछ परेशानियों भरा रहेगा। जिस काम के लिए आप इंतजार कर रहे थे उसमें कुछ विलंब हो सकता है। आज रविवार का पूरा आराम उठाएं और अपने आप के लिए कुछ समय निकालें। महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए आज चिंता ना करके उन्हें समय पर छोड़ दें। आपके चिंता करने से उनका हल नहीं निकलेगा। प्रोफेशन, जिस काम ने जब संपन्न होना है वह तभी होगा, केवल अपने प्रयास करते रहें। लव, प्रियजनों से मिलने का जल्द ही मौका मिलेगा। अविवाहित अपने फैसले बिना किसी की सलाह के ना ले, नहीं तो गलती हो सकती है। हेल्थ, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से रिश्तों में सुधार आएगा और मूड स्विंग भी नियंत्रित होंगे। धनु, आज का दिन लाभदायक और सुखद रहेगा। जीवन में जिस मौके की तलाश में है वह आपके हाथ जल्द ही लगेगा, किंतु एक सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि आप किसी भी छोटी से छोटी बात को भी नजरअंदाज ना करें। अपने विचारों और सोच को सकारात्मक बनाए रखें। पारिवारिक मेलजोल के लिए अच्छा दिन है। प्रोफेशन, कार्य क्षेत्र में व्यर्थ की चिंताएं ना करें। काम अपनी गति से चल रहा है और समय से समाप्त हो जाएगा। लव, रिश्तों में यदि खराई बढ़ाना चाहते हैं तो अपने आप को व्यक्त करें। कोई बात दिल में ना रखें। हेल्थ, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। अपनी सेहत के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो जल्द ही फल मिलेगा। मकर, आज पुरानी यादों में ना खोकर वर्तमान में रहे। आपको बहुत से नए अवसर मिल रहे हैं जिनसे आपके जीवन में उन्नति होगी और आध्यात्मिक रूप से आपकी वृद्धि होगी। किसी की बात से यदि आप अब भी नाराज हैं तो उस व्यक्ति को माफ करने का प्रयास करें। किसी भी कार्य या रिश्ते में अत्यधिक प्रयास करने की बजाय उसे समय के साथ संभालने का मौका दें। प्रोफेशन, काम में अपना फोकस बनाए रखें। व्यर्थ की गॉसिप में ना पड़े, नहीं तो आपको गलत समझा जा सकता है। लव, परिवार जनों के साथ आज समय बिताएंगे। पुरानी बातों को याद कर आज दुख मनाने में अपना समय बर्बाद ना करें। हेल्थ, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तनाव से बचें। चिंता किसी भी चीज का हल नहीं है।
कोई पुराना रोग आज परेशान कर सकता है, इसके लिए सावधानी बरतें। कुंभ आज परिस्थिति से लड़ने की बजाय उसमें ढलने का प्रयास करें। जितना लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, उतनी ही परिस्थिति बिगड़ती जाएगी। आज कार्यों में विलंब हो सकता है, कुछ बाधा उत्पन्न हो सकती है। तनाव न लें, अपने प्रयास निरंतर करते रहें। निजी जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो कि भविष्य में आपके विचारों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। प्रोफेशन, आज का दिन काम में कुछ ज्यादा फलदायी नहीं रहेगा। काम में किसी कठिनाई के चलते किसी एक एक्सपर्ट से सलाह लेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी की बातों को दिल पर ना ले। लव, प्रियजनों के साथ आज अच्छा समय बिताने को मिलेगा। सामाजिक मेलजोल में आज आपका दिन व्यतीत होगा। आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे भविष्य में अच्छे संबंध बनेंगे। अविवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा है। हेल्थ, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सेहत में सुधार होगा। यदि किसी रोग से जूझ रहे हैं तो जल्द ही निजात मिलेगा। मीन, आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे भविष्य में अच्छे संबंध बन सकते हैं। यदि कोई व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो आज उसकी शुरुआत करने के लिए आज अच्छा दिन है। किसी और की सलाह को इतना महत्व ना दें कि अपनी सोच से काम ना लें। अपनी अंतरात्मा की आवाज अवश्य सुने। प्रोफेशन, किसी और की सलाह या मंजूरी के लिए इंतजार ना करें, वह करें जो आपको उचित लगे। लव, विवाह में भी बहुत सारे लोगों से सलाह लेने की बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने कि क्या यह निर्णय आपके लिए उचित है या नहीं। हेल्थ, रोग से निजात के लिए अपने प्रयास करते रहें, जल्द ही सफलता मिलेगी। अपनी दिनचर्या पर पूरा ध्यान दें।